हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल केएलई क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हम लोग, मैं तो हम ही पढ़ा रहे हैं, तो केमिस्ट्री भी अब हम ही पढ़ाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री के टीचर अभी आ नहीं पाए हैं। तो जब वो आ जाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। अब फर्स्ट लेक्चर क्या है? परमाणु संरचना, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर। पॉलिटेक्निक आईआईटी, देखिए हम लोग का मतलब एक महीना, मतलब 30 दिन कह सकते हैं। 30 दिन में पूरी केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स आराम से हो जाएगी। और देखिए, हर टॉपिक का हम लोग आपको 10 से 15 क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत बड़ा है, तो हम आपको वही पॉइंट बताएंगे, वही मतलब टॉपिक बताएंगे जो आपके एग्जाम में पॉलिटेक्निक आईआईटी में पूछा जाए। देखिए, पॉलिटेक्निक आईआईटी हाई स्कूल के बेस पे पूरा है, तो मैं आपको अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा पढ़ाऊँ अगर इंटर लेवल या हाई स्कूल, तो आपको लग जाएगा कम से कम 10 दिन। तो इसी ना, तो उसके जो 10 दिन लगेगा उसी को हम शॉर्टकट में मेन मेन पॉइंट आपको मतलब 2 से 3 वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री अगर आप कहेंगे तो वो एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक पे है। अगर आप परमाणु क्रमांक 1 से लेकर मतलब 100 तक याद करेंगे या 110 तक याद करेंगे, तो आप मतलब उसी में याद करते उलझ जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक अगर आप याद कर लिए, तो पूरी केमिस्ट्री इस पर खत्म हो जाएगी 1 से लेकर 30 तक। ये हम श्योर करते, क्योंकि जानते हैं हाइड्रोजन से लेकर कॉपर तक, हाइड्रोजन से लेकर कॉपर का यूज कम से कम आप कह सकते हैं 80% है, आदर्श तत्वों का यूज 20%, ठीक है। तो जो हम लोग पढ़ेंगे पूरा इन्हीं हाइड्रोजन से लेकर कॉपर तक, ठीक है, इसी में खत्म। और जो आएंगे अदर तत्व जो आएंगे उनका तो हम लोग डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो हम आपको रेगुलर 10-10 तत्व याद कराएंगे, जैसे 3 वीडियो में आपको 30 तत्व आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग तत्व के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, 10 तत्व का हम देखिए परमाणु क्रमांक लिखेंगे, उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो उनको आप पहले मतलब जैसे आप 3 बार लिख लेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं अगर वो नहीं याद होगा तो आपको केमिस्ट्री में एकदम दिक्कत होगी। उसके बाद हम आप लोग परमाणु संरचना पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो हम लिखा रहा हूँ उसी का आप नोट बना लीजिए, क्योंकि इससे बेसिस आप जाएंगे पॉलिटेक्निक आईआईटी का बुक उठाएंगे, उसमें से आप देख लेंगे कि सब क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक उसी में से हल हो जाए। 1-2 क्वेश्चन मैं नहीं कह सकता कि ना मिले, तो आप वो आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए हम पढ़ते हैं परमाणु क्रमांक। देखिए, आप हाइड्रोजन से लेके हम बताएंगे आपको फ्लोरीन तक, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, सॉरी हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरियम का 4, बोरान का 5। अब देखिए, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, और फिर आ जाएगा फ्लोरीन का 9 और नियान का 10। तो आप देखेंगे हमने अब बता दिया यहाँ तक। अब हम लोग सेकेंड जब वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे सोडियम से लेके आपको कैल्शियम तक, ठीक है, सोडियम से लेके कैल्शियम का, क्योंकि सोडियम का 11 होता है और कैल्शियम का 20 होता है। तो आप देखिए, आपको मैं थोड़ा थोड़ा क्यों बता रहा हूँ, अगर आपको ज्यादा चीज दे दिया जाएगा याद करने के लिए इतना, तो आप कहेंगे इसको कैसे याद करें। अगर आपको थोड़ा सा दे दिया जाएगा आप कहेंगे ये तो बहुत कम है, तो मैं याद कर लूँ। तो इसी नाते आप 1 से लेकर 10 तक याद करिए, और जो आपका सोडियम से लेकर कैल्शियम तक है उसको हम लोग सेकेंड वीडियो, क्योंकि देखिए हर वीडियो में हम आपको थोड़ा थोड़ा होमवर्क दे दिए, आपका भी फायदा हमारा फायदा, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपको 10 तक हो गया, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब नोट करके देखिए कॉपी बना लेंगे सही रहेगा, ठीक है। और आप जितना पढ़ना आप पढ़िए, बस हमारे वीडियो से उतना ही पढ़िए जितना आपके कंपटीशन में आ जाए, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं हाइड्रोजन लेके नियान तक, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग परमाणु संरचना पे, ठीक है। जब परमाणु संरचना के बारे में बात होती है, जैसे कह सकते हैं परमाणु संरचना मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, मैं इसको क्यों लिख दिया हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको हर पॉइंट समझा दूंगा, आपका भी समय बच जाएगा, मेरा भी समय, क्योंकि अभी मैं एक पॉइंट लिखता समझाता तो ज्यादा समय हो जाता, वीडियो बहुत ज्यादा हो जाता, लंबा हो जाता है। उसी नाते मैं आपको 30 मिनट से 35 मिनट का वीडियो दूंगा और उसमें ऐसा सब लिखा रहेगा। आप क्या करेंगे, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे, आप नोट बना सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, जब परमाणु संरचना की बात होती है तो उसमें सबसे पहले आता है परमाणु, ठीक है। तो आप परमाणु किसको कहेंगे, ठीक है, परमाणु किसको कहेंगे, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा था, परमाणु किसको कहेंगे, परमाणु की खोज किसने की थी, परमाणु के बारे में कौन बताया था, ठीक है। जब परमाणु बात आता है तो एक आदमी का सबसे पहले बात आता है डाल्टन जी ने परमाणु बताया थे, मतलब डाल्टन जी ने बताया था किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम वह कण है, किसी पदार्थ का छोटा से छोटा वह कण है जिसे हम परमाणु कहते हैं, किसी पदार्थ का, और कह सकते हैं परमाणु एक अविभाज्य कण है। डाल्टन जी ने बताया था परमाणु एक अविभाज्य कण है। सबसे पहले क्वेश्चन में दे दिया गया, ऐसा दे दिया जाएगा आपको,
कि प्रमाण की खोज किसने, प्रमाण के बारे में किसने बताया था, तो यहाँ मतलब दे दिया जाएगा डाल्टन जी, और तीन ऑप्शन और दे दिया जाएगा न्यूटन अदर अदर्स करके, तो उसमें से आप डाल्टन लगाएं, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट क्या है, डाल्टन, प्रमाण के बारे में कौन बताया था, डाल्टन, ठीक है। तीन क्या कहे हैं, किसी पदार्थ का छोटा सा छोटा वह कण है जिसे हम लोग प्रमाण कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटी कण क्या है, प्रमाण, सबसे छोटा कण क्या है, प्रमाण, आप कभी क्वेश्चन में दे दिया जाएगा सबसे छोटा कण कौन है, तो उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा प्रमाण, फिर दिया रहेगा अणु, फिर दिया रहेगा कुछ और, या दिया रहेगा दोनों, फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप ऑप्शन में देखेंगे प्रमाण, तो प्रमाण पे आप टिक लगा देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, ये अविभाज्य कण है, क्योंकि जानते हैं प्रमाण, प्रमाण सिर्फ एक है, प्रमाण आप कह सकते हैं सिर्फ एक है, प्रमाण छोटा से छोटा कण है, जब एकदम छोटा सा कण है तो उसको हम लोग विभाज्य कर सकते हैं नहीं, तो वह क्या होगा, अविभाज्य कण है। तो उसके बाद आता है ये तीन पॉइंट, ये तीन पॉइंट आप थोड़ा बाद में समझिए। अब आते हैं हम लोग अणु पे, अणु किसे कहेंगे, देखिए अणु किसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक परमाणु, मान लेते हैं एक परमाणु प्लस एक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलते हैं तो वो क्या बनता है, अणु। जब दो या दो से अधिक मतलब परमाणु मिलते हैं तो क्या बनता है, अणु। तो आप कहेंगे अणु को विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि टू को हम लोग विभाजित कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, जब एक मतलब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो अणु बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अणु बना, तो आप कह सकते हैं दो परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, अणु। अब देखिए अणु दो प्रकार के होते हैं, एक सम द्विपरमाणु अणु और एक विषम द्विपरमाणु अणु, ठीक है। तो सम द्विपरमाणु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और परमाणु मतलब आपको मैंने बताया परमाणु एक ही होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है, परमाणु, ठीक है, परमाणु, ठीक है, तत्व या परमाणु कह सकते हैं। अब देखिए सम मतलब सेम रहेगा, सेम आप क्या लिखेंगे, सम द्विपरमाणु अणु, अणु मतलब उसमें दो होना चाहिए, और सम मतलब समान होना चाहिए, तो अब सम द्विपरमाणु में लिख सकते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो मान लीजिए समान है, अब परमाणु है हाइड्रोजन, अणु होने के लिए इसको दो चाहिए, मतलब हाइड्रोजन के दो अणु मिलेंगे और तब ये बनेगा सम द्विपरमाणु। तो अगर हाइड्रोजन के दो अणु, अब एक हो गया हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है, नाइट्रोजन पीटीसी, विषम द्विपरमाणु अणु पे, विषम मतलब क्या होता है, मतलब वो समान नहीं रहेगा, यहाँ क्या था सम द्विपरमाणु अणु, और यहाँ क्या है विषम द्विपरमाणु अणु, तो इसमें क्या रहेगा, आप देखेंगे विषम में विषम रहेंगे, यहाँ देखिए समान है, हाइड्रोजन के दो अणु है, मतलब हाइड्रोजन के दो अणु है, क्लोरीन के दो अणु है, और नाइट्रोजन के दो अणु, मतलब नाइट्रोजन ये तो क्या है परमाणु है, और नाइट्रोजन दो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं अणु, तो N2, मतलब नाइट्रोजन गैस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, अब विषम द्विपरमाणु मतलब जो परमाणु रहेगा वो समान नहीं रहेगा आपका, और विषम है तो परमाणु मतलब क्या लेंगे, हाइड्रोजन ले सकते हैं एक, और यहाँ क्या क्या है विषम, तो विषम मतलब क्या हो जाएगा, यस Cl, ये दूसरा परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, मतलब कह सकते हैं दूसरा तत्व है, ये दूसरा तत्व है, तो ये विषम हो गया, और दो दो मतलब दुख मतलब दो है, दो हो गया। अब इसमें देखिए परमाणु तो आएगा अणु, दो मैंने क्या कहा था, एक या एक से मतलब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं अणु, तो यहाँ देखिए दो परमाणु है, एक हो जाएगा HCl और एक हो जाएगा आप कह सकते हैं HF और क्या कह सकते हैं NaCl, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ETC कह देंगे आप विषम द्विपरमाणु अणु किसे कहें, आपके क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, ऐसा दे दिया जाएगा ऑप्शन में H2Cl2 NaCl और क्या दे दिया ETC, मतलब नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ NOT, नॉन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं कह सकते यार, फोर्थ ऑप्शन ए होता नॉन ऑफ दीज। अब क्या कहेंगे, इसमें हाइड्रोजन दिया है, क्लोरीन दिया है, NaCl पूछ, अब आप मतलब दिया रहेगा क्वेश्चन में, कैसा क्वेश्चन दिया, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, पूछेगा इसमें से विषम द्विपरमाणु अणु कौन सा है, तो अगर आपको पता होगा सम द्विपरमाणु अणु किसे कहते हैं, मैंने आपको समझाया सम द्विपरमाणु मतलब सम मतलब समान रहेगा, द्वि मतलब दो परमाणु रहेंगे, और अणु मतलब H2O, तो ये भी सम द्विपरमाणु है, क्योंकि सेम ही दो परमाणु से मिलकर एक अणु बना है, यहाँ भी क्लोरीन है, समान ही है कि दो तत्व है, पर ये देखिए यहाँ ये दूसरा है, NaCl दूसरा है, सोडियम जो है दूसरा तत्व है, क्लोरीन दूसरा तत्व है, तो कह देंगे कि यही विषम द्विपरमाणु अणु है, मतलब जो आप ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका सी। देखिए ऐसा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक IIT में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इधर, देखिए अब ये क्या कहा, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, देखिए अब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा,
भाग लेता है, क्योंकि देखिए कि अब अगर कुछ आप बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं, यही मान लीजिए यहाँ दिया है क्या आपका, देखिए हाइड्रोजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, जब हाइड्रोजन को क्या कह सकते हैं आप, अणु, ना कि परमाणु। आप हाइड्रोजन को अणु कहेंगे, क्योंकि अणु, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो होता है परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो परमाणु भाग लेगा ना कि अणु। देखिए इसमें हाइड्रोजन दो है, तो इसका जो हाइड्रोजन है दो यहाँ टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना हाइड्रोजन है, यहाँ गुणा करा देंगे तो 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ कितना है, 2 नाइट्रोजन है, तो ये जो होगा यहाँ जाएगा तो इसमें सेम रहेगा, हाइड्रोजन नहीं परिवर्तित होगा ना नाइट्रोजन परिवर्तित होगा। तो आप कहेंगे यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 2 ही नाइट्रोजन है, और जब इसका इसमें गुणा होगा तो 6 हाइड्रोजन है। तो कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रिया के परमाणु सदस्य संरचित रहते हैं, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो उसमें परमाणु सदस्य संरचित, क्योंकि नहीं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के पहले परमाणु के तत्व कुछ और थे, रासायनिक अभिक्रिया के बाद परमाणु के तत्व में कुछ परिवर्तन हो गया, मतलब घट या बढ़ गया, कभी घटते बढ़ते नहीं, क्योंकि इस सदैव क्या कह सकते हैं आप, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो परमाणु में कमी होती है ना घटते, मतलब ना तो परमाणु को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, कि आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेके कहीं भी आप बना देंगे परमाणु, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ना तो आप मतलब परमाणु को उत्पन्न सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट में आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, परमाणु को आप तो ना उत्पन्न नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, परमाणु को ना तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जो है आप परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं, सही बात है, मतलब परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं, जानते हैं केमिस्ट्री में कुछ अपवाद होते हैं, मतलब आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि क्या परमाणु मुक्त अवस्था में होते हैं, फर्स्ट नंबर होते हैं, कुछ कुछ परमाणु होते हैं या कुछ कुछ परमाणु नहीं होते हैं। आप अगर वहां लिखा रहेगा कि मुक्त अवस्था में अक्रिय गैस, अक्रिय गैस जो होते हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं, अक्रिय गैस, जैसे आप कह सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था वहां क्या बताया था, जो आपका होता क्या है नियान, जो होते हैं ओ ग्रुप, जीरो ग्रुप के समूह होते हैं ओ, उन्हीं को कहते हैं एक्री गैस, ठीक है, जिनका अष्टक पूरा होता है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 होता है, जिनके अंतिम कोष, ये सब भी बाद में बताया, ऑर्बिट ऑर्बिटल के बारे में है, कक्षक और कक्षक के बारे में बाद में, अभी यहाँ बताने लगेगा तो जो आपका बेस है वो सही नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप बस थोड़ा सा जानिए कि उनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होती है तो वो आपका एक्री गैस हो जाते हैं। देखिए नियान जो है ये एक्री गैस है, तो एक्री गैस जो होते हैं वो मुक्त अवस्था में, देखिए क्या परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं, मतलब जो परमाणु होंगे वो मुक्त अवस्था में नहीं होंगे, पर अक्रिय गैसों को छोड़कर अक्रिय गैस जो होते हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं, ठीक है, जिस पूछ लिया जाएगा ऑप्शन में, ठीक है, आप अगर ये सब पॉइंट अच्छे से ना, क्या है ये तो हमने बता दिया, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु सदस्य संरचित रहते हैं, सही बात है, क्योंकि यहाँ पहले कुछ और थे तो यहाँ चेंज नहीं होते, अभी मैंने बताया यहाँ देखिए 6 हाइड्रोजन है, यहाँ कितना है, 2 नाइट्रोजन है, तो क्या आप रासायनिक जब अभिक्रिया पूरी हो गई तो क्या हाइड्रोजन की संख्या कम हो गई या घट गई बढ़ गई, नहीं समान है, तो इसी नाते हरदम परमाणु संरचित रहते हैं। देखिए परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना कि, तो अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, ठीक है, देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे क्या होगा आपको बहुत फायदा हो जाएगा, नोट बना लीजिए इसी से, देखिए यही सब ताकि आप देखेंगे पॉलीनियटिक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना का जो चैप्टर है फर्स्ट, इससे कम से कम जो आप जाएंगे लगाएंगे पूरा चैप्टर का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, देखिए परमाणु में मूल कण क्या होते हैं, आपको पता होगा कोई भी तत्व हो या परमाणु हो तो उसमें 3 ही मूल कण से बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, किससे किससे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से सभी मूल कण, मतलब अगर परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, जानते हैं आप केमिस्ट्री में अपवाद ज्यादा है तो आप कह सकते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, अपवाद में लिख सकते हैं आप, अपवाद में हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितनी तत्व हैं, जितने तत्व हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 3 पाया जाता है, ठीक है, इसमें जो होता है न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है 0, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, तो आप कह सकते हैं इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं। आप भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि जो परमाणु है किससे मिलके बना है, तो देख लीजिए इलेक्ट्रॉन
ये दिया जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें दिया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जो आपका फर्स्ट पॉइंट है मैंने यही लिखा है कि जो आपका परमाणु में मूल कण क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बस अपवाद क्या है हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या जीरो होती है, इलेक्ट्रॉन वन होता है, प्रोटॉन वन होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ, देखिए हम जिस हिसाब से चल रहे हैं उसी हिसाब से चलिए, क्योंकि अभी मैं आपको हर अभी बताऊंगा अफवाह वाह नियम सब बताऊंगा, ठीक, फॉलोइंग बस आपका बेस थोड़ा मजबूत हो जाए। ठीक है, यहाँ आते हैं नाभिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नाभिक देखिए, ये नाभिक की खोज किसने की थी, अब देखिए जो होता ऐसे बना रहेगा यहाँ प्लस धनावेश, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं नाभिक। अब कहेंगे नाभिक की खोज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, नाभिक के बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड जी ने बताया था, सबसे पहले रदरफोर्ड, जो मैं तीन चार पॉइंट बताता हूँ ना हर टॉपिक का ना, वो सब आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट का आप कोई भी जाएंगे बुक उठाएंगे प्रैक्टिस सेट किसी भी, चाहे पॉलिटेक्निक का हो चाहे आईआरटी का हो, तो उसमें से जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब परमाणु संरचना से 102 क्वेश्चन कंफर्म मिलेंगे। अभी देखेंगे, अभी तो पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी बेसिक है, अब जितना ही पढ़ाएंगे उसमें हर एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है अपने में, आप खुद समझ सकते हैं अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखिए नाभिक की खोज किसने की थी, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता नाभिक की खोज किसने की, वहां दे दिया टॉमसन, जैसे टॉमसन, न्यूटन, रदरफोर्ड और एक नाम। तो आपको अगर नहीं पता होगा कि नाभिक की खोज सबसे पहले किसने की थी, रदरफोर्ड ने बताया था उसके बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है किसके प्रयोग करके, तो सबसे पहले अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग करके उसने बताया था रदरफोर्ड ने। अल्फा प्रकीर्णन से जो दो मिलते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए प्रोटॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक आईआरटी में, क्योंकि ये हरदम पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और इसका न्यूट्रॉन का खोज जेजे चैडविक, मतलब चैडविक, चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक। अब देखेंगे हम इसको एक डिटेल में बताएंगे, अब देखिए थोड़ा इधर समझ लेते हैं। देखिए ये जो बाहर का स्पेस होता है उसको हम लोग कोश भी कहते हैं, या ऊर्जा स्तर कहते हैं, या कक्ष कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट ना कि ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब कक्षक होता है। अभी कक्षक के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सिर्फ हम लोग ऑर्बिट के बारे में बात करें, सिर्फ कक्ष के बारे में। ठीक है, तो इसके बाहर जो मूव करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, अब इलेक्ट्रॉन का हम लोग आवेश पता करेंगे, इसका मास पता करेंगे, प्रोटॉन का हम लोग खोज किसने किया उसके बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया उसके बारे में, और इसका मतलब मास कितना होता है, आवेश कितना होता है, इस सब के बारे में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो इसके चारों तरफ कोश है, कोश कह सकते हैं, या ऊर्जा स्तर कह सकते हैं, या कक्षक कह सकते हैं। ठीक है, उसके कक्षक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करता है, इलेक्ट्रॉन आवेश के बारे में और उसके द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, परमाणु के मूल कण कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अपवाद में क्या होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्योंकि न्यूट्रॉन जीरो होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक मतलब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु के मूल कण, अभी हमने बताया था परमाणु के मूल कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अब इन्हीं के बारे में डिटेल से आपको पता होगा पर आपको अच्छे से नहीं पता होगा, क्योंकि जानते हैं आपको कंफ्यूजन होगा, तो आप अभी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि इससे वे क्वेश्चन श्योर रहता है हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या तो किसी का आवेश पूछ लिया जाता है, या किसी का मास पूछ लिया जाता है, या किसी के खोजकर्ता पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि कौन से तत्व कौन किसने खोजा है। देखिए नाम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जेजे थॉमसन। आपको एक ट्रिक बताता हूं, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, इसको बाद में भी समझते हैं, बस पहले हम लोग इसको पूरे समझते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जेजे थॉमसन। द्रव्यमान कितना होता है इसका, 9.1 × 10⁻³¹ kg। देखिए केजी में पूछा जाए तो मतलब किलोग्राम में, तो आप बहुत अगर ग्राम में पूछ लिया जाता है तो बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। देखिए इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आप एक 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 केजी, वन केजी इज इक्वल टू कितना ग्राम, आपको पता होगा 1000 ग्राम। ठीक है, तो वन केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यहाँ मान लीजिए आपको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इससे कितने यहाँ किससे गुणा कराना है, आपको 10³ मतलब 1000 से अगर गुणा कराएंगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ग्राम में इसका वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, जो ग्राम में इसका वैल्यू निकल के आएगा, मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ग्राम में,
तो केजी में है, ग्राम में क्या हो जाएगा, 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम। अब देखेंगे, अब जो इसका प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड जी ने किया था। और इस पे जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 1.673 × 10⁻²⁷ केजी। इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास से अधिक होता है। जो इलेक्ट्रॉन के मास से क्यों अधिक होता है, क्योंकि इसके 30-31 है और ये -27 है, ठीक है। जो माइनस ज्यादा होता है, आप कहेंगे कि -1 बड़ा है कि -2, तो आप कहेंगे -2, तो गलत है, क्योंकि -1 बड़ा होता है, ठीक है। उसी नाते यहां -31 है और -27 है, तो आप कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक है। अब देखेंगे हम लोग आगे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। अभी आगे इसके बाद दिन बात करते हैं लोग। जो इसका द्रव्यमान कितना है, 1.675। देखिए यहाँ 5 यहाँ 3 है, तो आप कह सकते हैं जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से भी अधिक है, तो ये जो हो जाएगा 10⁻²⁷ केजी। अब आवेश के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है -1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये तो कूलम में हो गया। और एक और होता है जैसे 4.8 × 10⁻¹⁹ टेन टू पावर माइनस टेन, किसमें होता है, ESU। ESU का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब स्थिर वैद्युत इकाई, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है ESU में, ESU में क्या होता है, 4.8 × 10⁻¹⁹ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब स्थिर वैद्युत इकाई। अब देखिए, और इसका जो होता है किसका, प्रोटॉन का, प्रोटॉन का जो होता है आवेश 1.60 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये प्लस में होता है, और न्यूट्रॉन का जीरो होता है आवेश, ठीक है, न्यूट्रॉन का आवेश जीरो होता है। अब हम लोग ईंट पर नाच, मतलब ई से मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे जे टॉमसन, कैसे टॉमसन हो जाएगा, टॉमसन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, पैसे प्रोटॉन, इसका खोज किया क्या, रदरफोर्ड, अच्छा इसको थॉमसन कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, टॉमसन, ठीक है। अब देखिए, और रहस्य क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड, जिसे अभी ईंट पर नाच, ये अगर आपको याद है तो हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज टॉमसन, और पैसे प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, और नैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक, ठीक है। ये तो मतलब साफ शॉर्ट कट था, तो इसको मतलब इसको आप नोट कर लीजिए, एक दो बार लिख लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए पूछ लेता जाता है बढ़ते क्रम, द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे अधिक द्रव्यमान हमने देखा किसका था, सबसे अधिक द्रव्यमान किसका था, न्यूट्रॉन का, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का। तो सब द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन। तो देखिए, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक, प्रोटॉन का द्रव्यमान उससे, देखिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक, फिर उसके बाद प्रोटॉन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, ये सब बढ़ते क्रम में है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु भार एवं परमाणु क्रमांक, अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के बारे में, दो टॉपिक हम लोग का अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग पहले क्या करेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन हल करेंगे जो आज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के बारे में, क्योंकि जानते हैं जितना इंपॉर्टेंट आज का वीडियो था। और हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, जैसे रदरफोर्ड के बारे में तो पढ़ चुके, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉली का वर्जन के नियम, ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि जाते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे आप सही से हो जाएगा, क्योंकि अभी विस्तार से पढ़ाया जाएंगे तो आपको 10 दिन लग जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी क्वेश्चन के साथ, क्योंकि आप जो नोट बनाए रहेंगे और जब 10-15 क्वेश्चन आप हल करेंगे तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर थोड़ा और सुधार चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो और बढ़ा देंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना।